आज हम बनाएंगे दाल मखनी। आइए देखिए दाल मखनी की रेसिपी। मैंने ये आधे कप उड़द दाल ली है, साबुत उड़द है ये, और मैंने 2 चम्मच राजमा लिए हैं। इनको आपको रात भर भिगोना है। भीगने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेंगे। उड़द दाल फूल का डबल हो गई है और राजमा भी फूल गए हैं। कम से कम आपको इसको 12 घंटे भिगोना है। अब इनको हम उबाल लेंगे। उबालने के लिए हम इसे कुकर में डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच नमक, और इसे मैं बंद करूँ। हम इसमें 1 सीटी फुल गैस पर लेंगे और 4 सीटियाँ कम गैस पर लेंगे। देखिए दाल उबल कर तैयार हो गई है। एक हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। साथ ही में उसमें हम डालेंगे आधी चम्मच तेल। घी तेल जब गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। इसमें मैं डाल रही हूँ 4-5 लहसुन की कलियाँ जो मैंने महीन महीन काट ली हैं। इन्हें हम 1-2 मिनट पकाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी चम्मच गरम मसाला और 1 बड़े चम्मच बेसन। अब हम इन्हें लो फ्लेम पे 3-4 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप टमाटर की प्यूरी। अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि ये घी ना छोड़ने लगे। इसमें अब डाल देंगे हम 1 बड़े चम्मच क्रीम। ये मेरे घर पे बनाई हुई क्रीम है, आप मार्केट की भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में मैं डाल दूंगी अपने स्वाद अनुसार नमक। आपको ये याद रखना है जब हमने दाल उबाली थी तब भी हमने नमक डाला था। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटे चम्मच काली मिर्च, साथ ही में हरा धनिया। अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे जो हमने उबाल के रखी हुई है। अब ये गाढ़ी है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं ढककर इसको 20-25 मिनट के लिए सिम गैस पर पकाऊंगी। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मैं इसमें बटर ऐड करना भूल गई थी, तो आप इसमें बटर और ऐड कर दीजिएगा। अब इसे सिम गैस पे होने दीजिए। अब हमारी दाल मखनी 25 मिनट खदक के तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है।
आइए हम इसे अब सर्व करते हैं। इसमें हम थोड़ी सी क्रीम, और हरे पत्ते के धनिया से साथ सर्व करेंगे। देखिए दाल मखनी बनके तैयार हो गई है। ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी है जितनी ये दिख रही है। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करिए और मुझे बताना भूलिए ये कैसी बनी है। इसे हम चावल, नान, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय फ्रेंड्स।